बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोलॉजी में बेटा आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है वो है हमारे पास फ्लाइट का, बर्ड्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लाइट का। पेपर के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फ्लाइट में हम आज इसमें ये देखेंगे कि बर्ड्स की जो फ्लाइट है वो किस तरह पॉसिबल होती है, कौन से मैकेनिज़म्स हैं जो बर्ड्स की फ्लाइट को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, तो किस तरह बर्ड और डिफरेंट तरह के बर्ड्स डिफरेंट तरह की फ्लाइट शो करते हैं, तो क्या फ्लाइट्स की भी टाइप्स होती हैं, और बर्ड के पर जो हैं वो किस तरह ऊपर उठते हैं, किस तरह डाउनवर्ड आते हैं, डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट अल्टीट्यूड पे जो है वो फ्लाइट शो करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि उनकी जो फ्लाइट की एबिलिटी है ये बिल्कुल कहते हैं एरोफॉयल जैसी है। एरोफॉयल वो जो जहाज का पर होता है ना वैसे, क्योंकि जहाज का पर भी परिंदों के विंग्स को देख के ही बनाया गया था, तो उनकी तरह जो है वो इनके विंग्स एक्ट करते हैं और फिर डिफरेंट तरह के फ्लाइट। दूसरा, विंग्स जो होते हैं डिफरेंट तरह के बर्ड्स में डिफरेंट तरह के विंग्स होते हैं, इसलिए उस वजह की उसकी वजह से भी बर्ड्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ विंग है वो भी डिटरमाइंड करती है टाइप ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले ना बर्ड ऊपर उठाता है, लिफ्ट अप करता है अपने जो है वो विंग को। कहते हैं कि ये अगर ये वाली हम डायग्राम देखें तो इसमें अगर ये बर्ड का विंग है तो ये वाला जो एज होगा ना बेटा जो नैरो होगा डेट विल बी, इसको हम बोलते हैं डिस्टल एज ऑफ विंग। ये वाला जो एज होगा किनारा, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एज। प्रोक्सिमल क्यों? एक बात याद रखें बेटा, जो प्रोक्सिमल होता है ये उस जो है वो एंड को बोलते हैं जो एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस के करीब होता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब अगर मैं कहूं बर्ड्स के विंग्स जो हैं वो शोल्डर्स के साथ अटैच हैं तो नेचुरली ऐसे ही होता है। अगर यहां पे शोल्डर है तो शोल्डर हमारे पास क्या होगा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो शोल्डर के पास जो वाला एंड होगा वो होगा प्रोक्सिमल, और शोल्डर के दूर जो एंड होगा वो होगा डिस्टल। और मोस्टली बर्ड्स के विंग्स का जो डिस्टल एंड होता है वो नैरो होता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि बर्ड का जो विंग है वो पहले ऊपर उठता है, तो वो कैसे उठता है? सबसे पहली बात तो ये, जब ये अप उठता है डेट इज नोन एज अपवर्ड स्ट्रोक। जो अपवर्ड स्ट्रोक है बर्ड्स की विंग की, कहते हैं बर्ड का विंग एरोफॉयल की तरह का होता है, यानी कि ऊपर से स्लाइटली कन्वेक्स होता है और नीचे से थोड़ा फ्लैट होता है। यहां से जो है वो थोड़ा यूं फ्लैट होगा ऐसे, लेकिन ऊपर से जरा कन्वेक्स शेप होता है, इसलिए ऊपर से हवा इजीली जो है वो गुजर जाती है और नीचे से जब हवा जाती है तो उसका एयर के साथ एंगल बनता है एक। ठीक है, तो जब नीचे वाली जो सरफेस है वो फ्लैट है तो ऊपर वाली सरफेस कन्वेक्स होने की वजह से वो जरा जो है वो डोम शेप होगी हमारे पास। तो इस तरह की जो सरफेस होगी वहां से हवा स्मूथली गुजर जाएगी, लेकिन जो नीचे वाली सरफेस होगी क्योंकि वो फ्लैट है और उसके साथ एंगल बनेगा हमारे पास हवा का, तो फ्लैट सरफेस होने की वजह से वो पर ऊपर को उठेगा। तो ये जो पर है ये ऐसे ऊपर को उठता है, ऊपर को ड्रिफ्ट करता है ये यहां से, और स्पेशली जो इसका डिस्टल एंड है ये ऊपर को इस वजह से उठता है और सीधा होना शुरू हो जाता है, डेट इज अपवर्ड स्ट्रोक। कहते हैं लिफ्ट प्रोवाइड करता है, ये जो चीज है ये लिफ्ट प्रोवाइड करती है। कौन सी चीज? के विंग का ऊपर से कन्वेक्स होना और नीचे से फ्लैट होना, इसकी वजह से बर्ड को लिफ्ट मिलती है। और ये जो लिफ्ट होती है इसकी वजह से जो परिंदा है वो ऊपर को उड़ता है, यानी कि बर्ड का जो पर है वो ऊपर को उठ जाता है, डेट इज अपवर्ड स्ट्रोक। बट ये जो लिफ्ट है इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो अमाउंट है, वो बर्ड के वेट से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी परिंदा ऊपर उठेगा, वरना
पर तो ऊपर उठ जाएगा, अपवर्ड स्ट्रोक तो शो होगी, लेकिन परिंदा फ्लाइट नहीं करेगा, बर्ड ऊपर नहीं उठेगा। इसका मतलब ये है कि जब अपवर्ड स्ट्रोक होनी है तो तब जो लिफ्ट प्रोवाइड होती है उसकी मैग्नीट्यूड मोर देन वेट ऑफ बर्ड होनी चाहिए, इसलिए तब ही अपवर्ड स्ट्रोक प्रॉपर जो है वो उसको मिलेगी। फोर्स ऑफ प्रोपल्शन जो है ओवरकम रेजिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ एयर, यहां पे एक बात लिखी हुई है कि जब अपवर्ड स्ट्रोक हो जाती है तो सामने से आने वाली जो हवा होती है दैट इज अ फ्रंट एयर, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। पर ऊपर को उठा, सामने वाली हवा जब पर में दोबारा से लगेगी तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, वो कोशिश करेगी कि अपवर्ड स्ट्रोक ना हो या फिर इरेगुलर अपवर्ड स्ट्रोक हो। तो फिर क्या होता है, फिर प्रोपल्शन की फोर्स होती है, कहते हैं विंग्स के अंदर फोर्स ऑफ प्रोपल्शन, यानी विंग कोशिश करता है अगेंस्ट फ्रंट ऑफ एयर की जो एयर आती है फ्रंट से, उसके अगेंस्ट जो है वो ये भी फोर्स से मूव करता है, जिसकी वजह से जो फ्रंट से आने वाली एयर की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है और अपवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पर दोबारा नीचे आता है, दैट इज नोन एज डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब डाउनवर्ड स्ट्रोक कैसे होता है, दरअसल हवा में टर्बुलेंस की वजह से। ये देखिए बेटा, यहाँ पे ऊपर सरफेस से स्मूथली एयर पास कर रही है, बट यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल ज्यादा हो गया है। जब अपवर्ड स्ट्रोक हो गई तो पर डाउनवर्ड स्ट्रोक शो करेगा। डाउनवर्ड स्ट्रोक में दरअसल हवा जो है वो आगे स्मूथली मूव नहीं करती, क्योंकि जो उसकी सरफेस होती है दोनों तरफ कन्वेक्स हो जाती है, दोनों तरफ ऐसे मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हवा नीचे से भी इरेगुलर होकर गुजरती है, ऊपर से भी हवा ज्यादा बेंड होने की वजह से इरेगुलर हो जाती है। दिस इज नोन एज टर्बुलेंस ऑफ एयर। टर्बुलेंस ऑफ एयर की वजह से पर नीचे मूव करने लग जाता है, लेकिन कुछ परिंदे ऐसे हैं और टर्बुलेंस ऑफ एयर की वजह से अगर पर बिल्कुल नीचे मूव करे ना बेटा, तो परिंदा लैंडिंग की तरफ आता है, बर्ड लैंडिंग की तरफ आता है। बट मोस्ट बर्ड्स जो हैं अपवर्ड स्ट्रोक के बाद, डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद अगेन अपवर्ड स्ट्रोक शो करते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक की वैल्यू ज्यादा होती है डाउनवर्ड स्ट्रोक के निस्बत, इसलिए फिर वो अपवर्ड ही मूव करते हैं, ऊपर ही मूव करते हैं, लैंडिंग की तरफ नहीं आते। वो उनमें अडाप्टेशंस होती हैं एयर में टर्बुलेंस को रिड्यूस करने के लिए। तो टर्बुलेंस क्या होता है, टर्बुलेंस होता है मुजाहमत, टर्बुलेंस होता है इरेगुलरिटी, कि हवा की जो वेव्स हैं वो इरेगुलर हो गई हैं। तो टर्बुलेंस ऑफ एयर में कहते हैं ये जो प्रोपल्शंस की फोर्सेस होती हैं, ये जो आपके पास फीडर है यही प्रोपल्शन की फोर्स को ओवरकम कर, प्रोपल्शन की फोर्स क्रिएट करता है और फ्रंट से आने वाली एयर के रेजिस्टेंस को क्या करता है, कम करता है। लेकिन इसी की फोर्स की वजह से जब इसकी शेप चेंज हो जाती है तो उससे एयर की में टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, और ये जो एयर की, देखें ये एयर की जो वेव्स हैं ये इरेगुलरिटी से मूव कर रही हैं, और ये वाला जो एंगल है ये बढ़ गया है, तो एंगल बढ़ जाता है, इंक्रीज इन एंगल, और यही एंगल है लीडिंग एज। लीडिंग एज किसे कहते हैं, डिस्टल एंड को बोल रहे हैं बेटा, ये जो डिस्टल एंड है ना इसको लीडिंग एज भी बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रोक्सिमल एंड शोल्डर के साथ होने की वजह से ज्यादा फास्टर मूव नहीं करता, डिस्टल एंड दूर होने की वजह से फास्टर मूव करता है, यही लीडिंग एज होता है, डिस्टल एज होता है। तो अगर डिस्टल एज का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला, ये अगर इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से जो अपवर्ड स्ट्रोक है वो कम हो जाती है, यानी कि पर नीचे को आना शुरू कर देते हैं, डेट इज नोन एज डाउनवर्ड स्ट्रोक। और एंगल जब ज्यादा हो गया तो क्या रिड्यूस हो गई, इस एंगल की वजह से इसको लिफ्ट मिली थी और ये लिफ्ट बर्ड के वेट से ज्यादा थी, लेकिन इस एंगल के ज्यादा होने की वजह से हवा में टर्बुलेंसी आने की वजह से, क्योंकि विंग की शेप चेंज हुई और बेटा विंग के दोनों तरफ जो है वो साइड्स भी, उनकी शेप भी चेंज हो गई, अब दोनों तरफ जो है वो कन्वेक्स शेप बनी है,
फ्लैट नहीं रही, इसकी वजह से ये जो लिफ्ट है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और लिफ्ट जो होती है बेटा, अगर डिक्रीज हो जाए तो जो परिंदा होगा वो नीचे मूव करेगा या पर नीचे को हो जाएगा, डेट इज नोन एज डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, कहते हैं कि ये जो टर्बुलेंस होती है इसकी वजह से बर्ड कहीं नीचे ना आ जाए, उससे बचने के लिए सम बर्ड्स हैव अडैप्टेशंस टू ओवरकम द टर्बुलेंस। टर्बुलेंस को ओवरकम करने के लिए बर्ड्स में अडैप्टेशंस होती हैं। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, अपने जो इनका विंग्स होते हैं उसमें स्लॉट्स होते हैं, उनके स्लॉट्स किसको कहते हैं बेटा, सुराखों को कहते हैं, उनके स्लॉट्स होते हैं और इनके ये जो स्लॉट्स होते हैं, सुराख होते हैं, इनमें से हवा पास कर जाती है और जब हवा पास कर जाती है तो फिर टर्बुलेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, जी बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कि टर्बुलेंस को किस तरह रिड्यूस किया जाता है। तो लीडिंग एज में कुछ परिंदों के स्लॉट्स यानी सुराख होते हैं और इन सुराखों में से जो एयर होती है वो गुजर जाती है, स्मूथली गुजर जाती है, जिसकी वजह से अपवर्ड स्ट्रोक की वैल्यू ज्यादा नीचे नहीं गिरती और टर्बुलेंस में कमी आ जाती है। नंबर टू, सम बर्ड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर होती है ये सम ग्रुप ऑफ, एक तरह से ये स्ट्रक्चर बेटा स्मॉल फीडर्स का ग्रुप है और ये इनके फीडर्स के ऊपर इस तरह मौजूद होती है, ऐसे स्मॉल विंग की तरह काम करती है। तो जैसे ही एयर में टर्बुलेंसी आती है ये जो एलुला स्ट्रक्चर होती है ये उस टर्बुलेंस को कम कर देती है, जिसकी वजह से इनकी जो लिफ्ट होती है अपवर्ड स्ट्रोक वो रिड्यूस नहीं होती। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ अटैक जब जो होता है वो डिक्रीज होता है, यानी ये वाला जो एंगल होता है जब ये डिक्रीज होता है तो इसकी वजह से डेफिनेटली टर्बुलेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब टर्बुलेंस क्रिएट हुई थी तब ये एंगल बढ़ गया था हमारे पास और उससे लिफ्ट क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। तो किसी ना किसी एडाप्टेशन की वजह से, चाहे वो एलुला की प्रेजेंस की वजह से या स्लॉट्स की वजह से, टर्बुलेंस रिड्यूस हुई तो एंगल, यानी एंगल रिड्यूस हुआ, टर्बुलेंस रिड्यूस हुई, जिसकी वजह से अगर टर्बुलेंस रिड्यूस हो गई तो अब ये जो आपके पास टर्बुलेंस की वजह से लिफ्ट रिड्यूस हुई थी ये इतनी रिड्यूस नहीं होगी। तो टर्बुलेंस को ओवरकम करने के लिए बर्ड्स के अंदर जो अडाप्टेशन मौजूद थी, उसके बाद दो स्ट्रोक्स होती हैं बर्ड्स के अंदर, एक होती है अपस्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक, एक होती है डाउन स्ट्रोक। स्ट्रोक्स होती क्या है, कहते हैं कि डिस्टल पार्ट, यहीं पे हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास विंग होता है उसका डिस्टल एंड कौन सा है और प्रोक्सिमल एंड कौन सा है। तो यहाँ पे विंग का जो डिस्टल पार्ट होता है वो परपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करता है ताकि फ्रंट से आने वाली जो एयर है उसकी रेजिस्टेंस को क्या करे, कम करे। अब यहां पे उन्होंने कहा कि ये जो डिस्टल एंड है ये शोल्डर से दूर होता है इसलिए ज्यादा फास्टली मूव करता है एज कंपेयर टू प्रोक्सिमल एंड। तो डिस्टल एंड ज्यादा ऊपर उठता है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड की वजह से जो है वो ज्यादा लिफ्ट क्रिएट होती है। पावर स्ट्रोक क्या होती है, डाउन स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं और अपवर्ड स्ट्रोक को हम रिकवरी स्ट्रोक भी कहते हैं। सबसे पहले बेटा पावर स्ट्रोक, डिस्टल पार्ट मूव स्लाइटली डाउनवर्ड, जब डिस्टल पार्ट जो है वो स्लाउटली डाउनवर्ड मूव करेगा तो फीडर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, एयर जो है वो स्मूथली पास करेगी, फीडर्स ओवरलैप होने की वजह से फीडर्स में पोर्स नहीं होंगे, सुराख नहीं होंगे, एयर जो है वो फीडर्स के अंदर से पास नहीं होगी बल्कि ओवर द फीडर, इधर इन्होंने लिखा हुआ है, फीडर के ऊपर से गुजर जाएगी, एयर जो है वो अलाउ नहीं होगी कि उसके अंदर से, इसकी वजह से परिंदे की जो पर जो होगा वो ऊपर को उठेगा, लिफ्ट अपवर्ड, बर्ड अपवर्ड उठता है। तो हालांकि जो पावर स्ट्रोक होती है, ये बात याद रखनी है आपने बेटा कि पावर स्ट्रोक में बर्ड लिफ्ट अपवर्ड, क्यों, क्योंकि जैसे ही एयर आती है तो पावर स्ट्रोक में जो फीडर्स होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, हवा स्मूथली ऊपर से गुजर जाती है और जब ओवर द सरफेस गुजरेगी तो विंग जो है वो ऊपर को उठेगा, लिफ्ट अपवर्ड, बर्ड भी अपवर्ड। उसके बाद रिकवरी, रिकवरी का मतलब है ये दोबारा से डाउनवर्ड आना, डिस्टल पार्ट ऑफ विंग
सीधा हो जाता है, ओरिएंटेड अपवर्ड। फीदर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जब एक दूसरे से अलग होंगे तो हवा उनके अंदर से गुजरेगी तो लिफ्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी यानी कि वो डिक्रीज होगी। उन्होंने कहा कि लिफ्ट डाउन, तो जो बर्ड होगा वो भी नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये तो थी विंग्स की वजह से पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। अब विंग्स के अलावा कोई और चीज भी है जो फ्लाइट में रोल प्ले करती है, डेफिनेटली वो टेल है। टेल का जो रोल है यहाँ पे, ये डायरेक्शन बर्ड की फ्लाइट की डायरेक्शन, एक तरह से जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है बेटा, ये स्टीयरिंग के तौर पे एक्ट करती है। कि बर्ड्स की जो टेल होती है वो स्टीयरिंग के तौर पे एक्ट करती है, इसके जो टेल फीदर्स होते हैं वो बर्ड की डिफरेंट तरह की जो डायरेक्शन होती है ड्यूरिंग फ्लाइट उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बेटा ये जो फ्लाइट वाला फ्लाइट की टाइप्स हैं, चार तरह की फ्लाइट की टाइप्स हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि हम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप ग्लाइडिंग है, फिर फ्लैपिंग है। हमें इन दोनों का पता है क्योंकि हमने पिछले जो है वो फीदर्स वाले टॉपिक में ग्लाइडिंग और फ्लैपिंग को भी डिस्कस किया था, लेकिन सोरिंग फ्लाइट और होवरिंग फ्लाइट को डिस्कस नहीं किया था। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप है ग्लाइडिंग टाइप। ग्लाइडिंग टाइप है शॉर्ट फ्लाइट। हमने कहा था ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ग्लाइड करते हैं, जैसे सिर्फ ग्राउंड से ब्रांच तक चले गए, ब्रांच से दोबारा जो है वो ग्राउंड तक आ गए। दिस इज नोन एज ग्राउंड जो है वो ग्लाइडिंग फ्लाइट या ग्राउंड फ्लाइट। शॉर्ट फ्लाइट होती है, ज्यादा अल्टीट्यूड पे नहीं जाते, कम ही ऊंचाई पे ये परिंदे उड़ते हैं। और मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो भी ग्लाइडिंग शो करते हैं। उसके बाद बेटा फ्लैपिंग। फ्लैपिंग होती है उड़ना लेकिन परों से एनर्जी लेके, पावर जनरेटेड फ्लाइट होती है फ्लैपिंग। परिंदे अच्छी तरह पहले पर मारते हैं फिर फ्लैप करते हैं। जितने भी कॉमन क्रो आपके पास हो गई, ये जितने भी स्पैरोज वगैरह हो गए, आपने देखा ये पर भी जो है वो फ्लैप करते रहते हैं और उड़ते भी रहते हैं। ऐसी फ्लाइट को फ्लैपिंग फ्लाइट कहेंगे क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करके, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरह की वेरिएशंस इसके अंदर हैं, बट ये वाली टाइप मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद है सोरिंग फ्लाइट। सोरिंग फ्लाइट हमें फाल्कन्स वगैरह में देखने को मिलती है। ये एयर में रहते हैं लेकिन अपने परों को फ्लैप नहीं करते ज्यादा, हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, स्पेंडिंग मच एनर्जी, और जाहिर है परों को फ्लैप नहीं करते। बेटा परों को फ्लैप करने के लिए फीदर की मूवमेंट होती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं जिससे एनर्जी यूज होती है, लेकिन ये जब इतना ज्यादा फीदर को जो है वो मूव ही नहीं करवाएंगे, फ्लैप ही नहीं करवाएंगे, तो ज्यादा एनर्जी भी यूज नहीं करेंगे। इसलिए ये स्टेशनरी विंग यानी हवा में मुअल्लक रहते हैं। इनके जो चीले होती हैं हमने देखा है वो भी हाई अल्टीट्यूड पे एक बार जो है वो फ्लैपिंग करके हाई अल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, उसके बाद वो सोरिंग फ्लाइट डिस्कस जो है वो शो करते हैं। सोरिंग फ्लाइट का मतलब है कि दोबारा वो अपने परों को बहुत कम फड़फड़ाते हैं, फ्लैप करते हैं। उसके बाद होवरिंग। होवरिंग ये होता है बेटा एक पोजीशन पे खड़े होके परों को, फ्लैपिंग में साथ साथ उड़ते हैं, साथ साथ फ्लैपिंग होती है। होवरिंग में पोजीशन चेंज नहीं होती, एक ही जगह पे सिर्फ पर फड़फड़ाते हैं परिंदे, जैसे हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ब्लैक कलर का छोटा सा परिंदा कॉमनली बेटा होता है हमारे पास, अक्सर आपने देखा होगा वो घरों में जो वहां टूंटी लगी होती है वहां पे पानी पीने के लिए वो होवरिंग जो है वो करता रहता है, पर फड़फड़ाता रहता है लेकिन एक ही पोजिशन पे खड़े होकर पानी पी लेता है। इसी तरह ऐसे परिंदे आपको फ्लावर्स के पास मिलेंगे। फ्लावर्स का नेक्टर चूसने के लिए लंबी सी चूंस इनके पास होती है, चूंच को इस्तेमाल करके ये एक ही जगह पे अपने पर फड़फड़ाते रहते हैं फ्लावर के फ्रंट पे, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करते। सच काइंड ऑफ फ्लाइट इज नोन एज होवरिंग फ्लाइट। कहते हैं इतनी बार ये पर बीट करते हैं, तकरीबन 50 से 80 बार एक सेकंड में जो है वो पर बीट करते हैं, इतनी तेजी से ये पर बीट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली डायग्राम बेटा आपने बना लेनी है, इसमें एलुला की स्ट्रक्चर भी आप बना लेना कि किस तरह वो टर्बुलेंस को जो है वो खत्म करता है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, नेविगेशन एंड माइग्रेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है। और वो करने के बाद बेटा इस चैप्टर को आपने साथ साथ याद कर लेना था क्योंकि सेंडअप में ये वाला जो चैप्टर है ये इंक्लूड है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।